यूपी के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी एरिया के सपहा छात में दो युवक के बीच बीते 9 अगस्त को शव मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसका पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि दोनों युवकों की हत्या असहनीय के चलते की गई थी। दरअसल मृतक रविंद्र का गांव ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था। लड़की अपने ननिहाल में रहा करती थी। लड़की का पिता सुभाष और उसके बहनोई योगेंद्र ने कई बार मृतक रविंद्र को समझाया था कि लड़की से दूर रहे, लेकिन मृतक रविंद्र बात नहीं माना। इसलिए लड़की के पिता सुभाष ने अपने बहनोई योगेंद्र ने योजना बनाकर मृतक रविंद्र और उसके दोस्त को शराब पीने के बहाने बुलाया और शराब पिलाने के बाद दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। 9 तारीख को पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सपा छात गांव में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें कि घटना स्थल का निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के उपरांत सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और इसमें घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा पूछताछ में ये चीज प्रकाश में आई है कि इनकी एक लड़की के साथ में जो एक मृतक है वो बातचीत करता था, उसके संबंध में वो इधर उधर अफवाहें फैलाता था, बातें फैलाता था और इनके बार बार मना करने के बाद भी उसके द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा था। इसी चीज़ के कारणवश इनके द्वारा 4 लोगों के द्वारा मिलकर उसकी हत्या की गई। जो दूसरा मृतक था शिव भोले, वो मेन जो मृतक है उसका बड़ा करीबी दोस्त था और ये दोनों साथ में ही रहते थे और उस दिन जिस दिन इन्होंने 9 तारीख को इनके मर्डर की प्लानिंग की थी शिव भोले भी साथ था और किसी प्रकार से कोई साक्ष्य न रह जाए, बाहर बात ना निकल जाए, इसी वजह से शिव भोले की भी हत्या कर दी गई थी। इसमें टोटल 4 अभियुक्त हैं, जिसमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और 2 की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। तो सर क्या ये असहनीय के चलते हत्या हुई है? हाँ, इसमें प्रथम दृष्टया जो ये गिरफ्तार अभियुक्त है इनके द्वारा इसी प्रकार की बात बताई। सर क्या लड़की के परिवार वालों कैसे व्हाट्सएप के द्वारा क्या कोई कॉलिंग की डिटेल थी, लड़की कैसे पता लगा सर? वो लड़की यहाँ पर जो सपाचार गांव है उसमें अपने ननिहाल में रहती थी और इससे